आज हमारे साथ मौजूद हैं बाकीपुर विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी, एनडीए के प्रत्याशी श्री नितिन नवीन जी। जानते हैं उनकी विधानसभा के मुद्दे, किन मुद्दों को लेकर आप इस बार चुनाव में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का अपने काम करने की यही शैली है कि हम विकास को ही आधार मनाते हैं चुनाव के लिए। सामाजिक परिवर्तन के विषय को हम लोग जहाँ अलग तरीके से काम करते हैं, वहीं चुनावी राजनीति को हम लोग हमेशा विकास के आधार पर जोड़ते हैं। और मेरा मानना है कि जो विकास का काम पिछले 5 वर्षों में या विगत 15 वर्षों में हमारी सरकार ने किया या हम लोगों ने क्षेत्र में किया, वही हमारा सबसे पहला आधार होता है चुनाव में जाने का। और दूसरा विषय जो होता है कि किस प्रकार से हम लोग समाज से जुड़ के काम किए, चाहे वो हमारे क्षेत्र के लोग हों, उनके साथ हमारा किस प्रकार का कोऑर्डिनेशन रहा। और मेरा मानना है कि किसी भी क्षेत्र के लोगों के साथ अगर आप उसके सुख दुख में खड़े रहते हैं और समाज के समस्याओं में आप उनसे नज़र आते हैं, तो निश्चित रूप से समाज का आपको साथ मिलता है। और मेरा मानना है कि विकास और अपनी समाज में स्वीकारिता, यही मेरा आधार होता है चुनाव लड़ने का। दूसरा मैं जानना चाह रहा था, जितना मेरी समझ है बांकीपुर पटना नगर का ही एक हिस्सा है और पटना प्रदूषण के लिए जाना जा रहा है और आप पहले से यहाँ पे हैं, तो इसके लिए क्या योजना है आपके लिए? देखिए, पटना का जो विस्तारीकरण है वो अभी पिछले हम लोग कह सकते हैं कि 5-7 सालों में बढ़ा है। और पॉपुलेशन चूँकि एक ही एरिया में जब थिकली पॉपुलेटेड था तो निश्चित रूप से पॉल्यूशन उसमें एक विषय होता है, लेकिन द मोमेंट आप उसको ग्रेजुअली अगर इन्हेंस करते हैं, उसका विस्तार करते हैं, तो कहीं ना कहीं चीज़ें उससे ग्रीनरी के रूप में भी आती हैं। आज पटना का जो अपना एपिक सेंटर है, पटना का विस्तार नहीं हुआ कभी, और अब हम लोग जो देख रहे हैं कि मेट्रो ही है, तो मेट्रो हम लोग लाए हैं तो आज मेट्रो पूरा सगुना मोड़ से लेके पहाड़ी तक कनेक्ट करेगा। आज गंगा एक्सप्रेस ड्राइववे बना के हम लोगों ने गंगा के बाएं तरफ भी एक पूरा रोड का कनेक्टिविटी दिया है, ताकि उस पुराने इलाके के भी लोग भी आपको उस एरिया में अपनी रहने की उनकी जो व्यवस्था हो सकती है या जो मूवमेंट होता है वो आसान हो सके। आप देखिए कि आज पटना का विस्तार जहानाबाद संपतचक के इलाके में भी पूरा हुआ है। तो जब पटना का विस्तार होगा और रोड्स और उसके जो बेसिक नीड्स है उस पर आप काम करेंगे, तो निश्चित रूप से उसका लाभ पॉपुलेशन के माइग्रेशन में मिलता है। और मेरा मानना है कि उसका लाभ किसी भी सिटी के इन्वायरमेंट पर उसका असर पड़ता है। अच्छा, दूसरा एक और बात ये, अगले 5 वर्षों के लिए अगर आप जीतते हैं तो क्या रोड मैप है आपका, क्या ऐसी चीज़ें आप करने वाले हैं जो विशिष्ट होंगे? देखिए, हम लोगों ने पिछले 5 वर्षों में जहाँ सभी सेगमेंट को पकड़ के काम किया, जैसे कि पानी को लेकर 12 हम लोग हाई ट्यूबवेल लगाए और आज 250 करोड़ की योजना से घर घर में शुद्ध पेयजल के लिए पाइपलाइन का विस्तार चल रहा है। इसी प्रकार से पटना के सड़कों में एलईडी लाइट बड़े पैमाने पर लगाए गए, करीब मेरे क्षेत्र में 15,000 एलईडी लाइट लगे। तो एलईडी लाइट कहीं ना कहीं एक रोशनी के साथ साथ एक सुरक्षा का भी प्रतीक होता है। और मेरा मानना है कि उस प्रकार से जहाँ हर सेगमेंट को, इसके जो हमारे पटना क्षेत्र में बड़ा विषय होता है जल जमाव का, और 44 करोड़ की योजना से हम लोगों ने चाणक्य लॉ कॉलेज के पास एक सम्प हाउस ड्रेन का काम कराया, उस योजना का लाभ उस कम से कम 1.5 से 2 लाख लोगों की आबादी को मिलने वाला है और वो जल जमाव से उस दक्षिण पटना को हम लोग मुक्त कर पाएंगे। तो इन सारी योजनाओं के आधार पर हम लोग चुनाव में जा रहे हैं। और मेरा मानना है कि जो कमियां हम में हैं, मेरा आज भी लगता है कि अगर दोबारा पार्टी हम लोग को जनता अगर मौका देती है, तो निश्चित रूप से जो मंदिरी नाला जिसके लिए हमने 65 करोड़ की योजना स्वीकृत कराई थी, वो मेरा सपना है कि बहुत जल्दी हम उस नाले को ढककर सड़क बनाएंगे। साथ ही साथ स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में जहाँ हम लोगों ने इंफ्रास्ट्रक्चरल चेंजेज किए और कहीं ना कहीं वो परिवर्तन दिखा भी है, लेकिन उसकी क्वालिटी चेंजेज यानी गुणवत्ता में के साथ परिवर्तन वो अभी बाकी है। और मुझे लगता है कि अगर आने वाले वर्षों में हमारी या आने वाले समय में हमारी सरकार बनती है, तो निश्चित रूप से शिक्षा और स्वास्थ्य के इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद उसकी क्वालिटी चेंजेज पर हम लोग काम करेंगे। दूसरे नितिन जी, ये जो अपनी आपकी सीट है बांकीपुर, ये एक मायने में सोशल मीडिया के मायने में बड़ी वीआईपी सीट समझी जा रही है, क्योंकि आपके विरोध में एक पुष्पम प्रिया चौधरी जी चुनाव लड़ रही हैं और खुद को मुख्यमंत्री पद का दावेदार घोषित करके वे चुनाव लड़ रही हैं। तो उनके सोशल मीडिया कैंपेन में भाजपा को मतलब नीतिहीन बताया जा रहा है बार बार, क्योंकि उनका कहना है कि ये जो गठबंधन है ये पिछले वर्षों में बहुत सारे परिणाम आने चाहिए, तो उसे आप कैसे देखते हैं? देखिए, मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है कि हर व्यक्ति को अपने काम पर विश्वास होता है और काम आपके
किस प्रकार से आपने अपने क्षेत्र में काम किया या अपने राज्य में काम किया। हम 2005 के सफ़र को देखिए, किस प्रकार का बिहार हमको मिला था। पटना की सड़कें जो जिनको बता रहे नीति नहीं है, पटना की सड़कों में कूड़ा का अंबार होता था, घर घर से आज कूड़ा उठ रहा है, ये हमारी नीति का ही परिणाम है। आज पटना के गली मोहल्ले अंधेरे में रहते थे, आज घर हर गली मोहल्ले में LED लाइट लगाए, ये हमारी नीति का ही परिणाम है। हमारा बजट 2005 में 5,000 करोड़ रुपया होता था, आज 2.5 लाख के करीब में हमारा बजट पहुंच गया है, 2.5 लाख करोड़ का, ये हमारी नीति का ही परिणाम है। आज घर घर में हम लोग शुद्ध पानी भेजने की योजना चला रहे हैं, हमारे जो गरीब माता बहनें हैं उनके लिए हर हमारी जो उनके बच्चों को पढ़ाने के लिए क्लास 1 से लेके हायर एजुकेशन तक उनको मुफ्त शिक्षा दी जा रही है। बहनों को हमारी बहनें जो ड्रॉप रेट था इस शिक्षा व्यवस्था का कि 12 से 15% लोग स्कूल से बाहर थे, आज 0.5% है। तो ये हमारा जो वर्किंग है यही तो नीति है, और हमारी नीति और नियत दोनों साफ है। भ्रष्टाचार पर हम लोगों ने 0 टॉलरेंस पर काम किया, जो कल तक अपराधी लोगों को संरक्षण मिलता था, हमारी सरकार में किसी भी अपराधी को संरक्षण नहीं मिला, तो निश्चित रूप से अपराधियों पर हम लोगों ने कार्रवाई करने का काम किया। तो हमारी नीति और नीयत दोनों स्पष्ट है जनता के बीच में। ये जो कुछ लोग आते हैं ये आएंगे भी और चले भी जाएंगे, जब तक उनको तो अपनी नीति बतानी चाहिए ना, जिन लोग भी हैं चाहे जो भी हों। मैं तो उन पर यही कहूँगा कि जनता का विश्वास 2010 में भी मिला, 2015 में भी, कुछ कारणों से भले हम लोग अलग रहें, लेकिन 2015 के बाद भी जो हम लोग को दोबारा मौका मिला 3.5 साल का, तो हम लोगों ने अपनी प्रतिबद्धता जनता के विकास में और उसके उत्थान में काम की। कोई ऐसा सेगमेंट नहीं है जिसको हमारी सरकार ने नहीं छुआ, और आज यही कारण है कि बिहार में एक विश्वास का माहौल है हमारी सरकार के प्रति। और इस ये जो शॉर्टकट से आने वाले लोग हैं उनको कभी भी राजनीति में कुछ गेन नहीं होने वाला है, राजनीति लॉन्ग रन का नाम है, और निश्चित रूप से हम बिहार के विकास को लिए लगातार लगे हुए हैं और विकास के कई आयाम हम लोगों ने जोड़े हैं, लेकिन हम अभी भी मानते हैं कि बिहार को उस विकास के मंजिल पर पहुँचाना अभी बाकी है।